हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया कान सर ने रतन टाटा के बारे में क्या कहा? CAA और NRC पर इतना हंगामा हुआ। अच्छा, होता रहे। मैं तो UCC की वेट कर रही हूँ, ये CA और NRC की हंगामे कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ UCC आए। अच्छा, पर रतन टाटा जी का ना आज मैंने एक बहुत ही प्यारी एक चीज पढ़ी है, वो मैं जरूर शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले वो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आज ही पढ़ी है। एक सेकंड देखने दो कहाँ है ये थी, ये मुझे भेजी थी। तो इसमें पढ़ती हूँ मैं, बहुत ही टचिंग है। तो व्हेन द इंडियन बिलियनेयर रतन टाटा वाज आस्क्ड बाय अ रेडियो प्रेजेंटर इन अ टेलीफोन इंटरव्यू, सर व्हाट डू यू रिमेंबर व्हेन यू गॉट द हैप्पीएस्ट इन लाइफ। तो उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि भैया आपका हैप्पीएस्ट, जो सबसे ज्यादा खुशी लाइफ में जो हुई है वो कौन सी थी, उस टाइप से कि क्या था वो, क्या है वो। तो रतन टाटा जो है उन्होंने कहा, आई हैव गॉन थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। अब हिंदी में भी ट्रांसलेट करूं क्या, अगर किसी को नहीं आती है तो? चलो, उन्होंने कहा कि मैं 4 ऐसी स्टेजेस हैं लाइफ की, हैप्पीनेस की, जिससे मैं गुजर चुका हूं, एंड आई फाइनली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। उसके बाद मुझे पता चला कि असली खुशी होती क्या है। द फर्स्ट स्टेज वॉज टू एक्यूमुलेट वेल्थ एंड रिसोर्सेज। मतलब पहली एक स्टेज, फर्स्ट स्टेज कौन सी थी मेरी, कि खूब सारा जो है पैसा और वो सब मैं इकट्ठा करूं। बट एट दिस स्टेज आई डिड नॉट गेट द हैप्पीनेस आई वॉन्टेड, पर मुझे उससे खुशी नहीं मिली। देन केम द सेकेंड स्टेज ऑफ कलेक्टिंग वैल्यूबल्स एंड आइटम्स। उसके बाद क्या, वैल्यूबल्स एंड आइटम्स, जैसे मतलब आप लोगों का होता है ना, ब्रांड नेम की चीजें लूं, महंगी महंगी घड़ियां लूं, उस टाइप से कपड़े, गाड़ियां, वो सब। बट आई रियलाइज दैट द इफेक्ट ऑफ दिस थिंग इज ऑल्सो टेम्पररी एंड द लस्टर ऑफ प्रेशियस थिंग्स डज नॉट लास्ट लॉन्ग। तो उसके बाद मैंने भी मैंने रियलाइज किया कि ये सब टेम्पररी है और इससे कुछ आपको ज्यादा खुशी लॉन्ग लास्टिंग नहीं, मतलब कोई चीज वो मिलता आपको। देन केम द थर्ड फेज ऑफ गेटिंग अ बिग प्रोजेक्ट, दैट वॉज वेन आई हैड 95% ऑफ क्या ये, द डीजल सप्लाई इन इंडिया एंड अफ्रीका। तो उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुझको मिला और उससे क्या हुआ, 95% ऑफ द डीजल सप्लाई जो थी वो इंडिया और अफ्रीका की, मेरे ख्याल से उनके हाथ में आ गई थी। आई वॉज ऑल्सो द ओनर ऑफ द लार्जेस्ट स्टील फैक्ट्री इन इंडिया एंड एशिया। मेरी सबसे लार्जेस्ट स्टील फैक्ट्री थी इंडिया और एशिया पूरे उस एरिया में। बट इवन हियर आई डिड नॉट गेट द हैप्पीनेस दैट आई हैड इमेजिन, पर मुझे वो वाली खुशी अभी भी नहीं मिली थी। द फोर्थ स्टेप वॉज वेन अ फ्रेंड ऑफ माइन आस्क्ड मी टू बाय अ व्हील चेयर फॉर सम डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अबाउट 200 चिल्ड्रन। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप स्टेज थी वो थी कि मेरे किसी एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि तुम कोई 200 लोगों बच्चों के लिए व्हील चेयर, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए व्हील चेयर खरीद के दे दो। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे जो फ्रेंड ने जो है उन्होंने इंसिस्ट किया, तो मैंने फिर वो व्हील चेयर जो है मैंने खरीदी। बट माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई गो विद हिम एंड हैंड ओवर द व्हील चेयर टू द चिल्ड्रन। फिर मेरे जो फ्रेंड था उसने इंसिस्ट किया कि नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं, तुम जाओ मेरे साथ चलो और उन बच्चों को खुद अपने हाथों से वो व्हील चेयर दो। आई गॉट रेडी एंड वेंट विद हिम, तो मैं उसके साथ चला गया देने के लिए। देर आई गेव दीज चिल्ड्रन दिस व्हील चेयर विद माई ओन हैंड्स। आई सॉ स्ट्रेंज ग्लो ऑफ हैप्पीनेस ऑन द फेसेस ऑफ दीज चिल्ड्रन। तो जब मैंने अपने हाथों से दी तो उनके फेस में वो अलग सी जो चमक खुशी की थी वो मैंने देखी। आई सॉ देम ऑल सिटिंग इन व्हील चेयर वॉकिंग एंड हैविंग फन। उनको व्हील चेयर में बैठ के और उसमें फन करते हुए, मजे करते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इट वॉज एज इफ दे हैड रीच्ड अ पिकनिक स्पॉट वेयर दे वर शेयरिंग अ विनिंग गिफ्ट। तो ऐसे लग रहा था जैसे वो कहीं विनिंग पिकनिक की एक जगह पे हैं और कुछ जीत के उनको कोई गिफ्ट मिला हुआ है, जीत मिली है, उसका गिफ्ट मिला है। आई फेल्ट रियल हैप्पीनेस इनसाइड मी। तब मुझे वो असली जो हैप्पीनेस, खुशी होती है, वो मैंने फील की अपने दिल के अंदर। व्हेन आई डिसाइडेड टू लीव वन ऑफ द किड्स ग्रैब्ड माय लेग। जरा ट्रांसलेट करो तब तक। हाँ चलो, लेट थे मतलब। उसके बाद कह रहे हैं कि बस अब मैं जब जाने लगा तो एक किसी एक बच्चे ने मेरी जो टांग थी वो पकड़ ली, क्योंकि व्हील चेयर में है ना और वो कितने टॉल हैं, तो रोकने के लिए टांग, जैसे बच्चे बैठे हुए नीचे बैठा होगा कोई चेयर पे बैठा है तो कैसे पकड़ेगा, तो टांग को ही ग्रैब करेगा ना। आई ट्राई टू स्लोली रिलीज माई लेग बट द चाइल्ड लुक्ड एट माई फेस एंड हेल्ड माई लेग्स टाइट।
तो मैंने कोशिश की अपनी टांग छुड़वाने की, पर वो जो बच्चा था उसने मेरे ऊपर ऐसे मेरी मुंह की तरफ देखा और मेरी टांग को टाइटली पकड़ लिया। आई लीन्ड ओवर एंड आस्क्ड द चाइल्ड, डू यू नीड एनीथिंग एल्स? तो मैंने उसको नीचे झुक के उससे पूछा, वही लगा ना क्या शायद इसको कुछ और चाहिए, तो मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। द आंसर दिस किड गेव मी नॉट ओनली शॉक्ड मी बट वॉज बट हैज ऑल्सो कम्प्लीटली चेंज्ड माई आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ। जो बच्चे ने आंसर दिया उसने मुझे एक खाली शॉक ही नहीं किया पर मेरा लाइफ को देखने का, जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही चेंज कर दिया। दिस चाइल्ड सेड नथिंग एल्स सर बट आई वॉन्ट टू रिमेंबर योर फेस सो दैट वेन आई मीट यू इन हेवन आई कैन रिकोगनाइज यू एंड थैंक यू अगेन। कितना प्यार है ना, वेरी नाइस। इसको ट्रांसलेट कर दो जरा। उसने बोला कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मगर आपका जो चेहरा है वो याद रखना है कि जब मैं आपको हेवन में मिलूंगा तो मेरे को याद रहेगा। उनको उसको पता था ये इतना अच्छा इंसान है, हेवन में ही जाएंगे। कमाल है। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। पारसी धर्म के लोग बड़े शांत होते हैं, शादी विवाह बड़ा कम ही मतलब इन लोग में हो, इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है। ये अपनी आय का अधिकांश हिस्सा दान कर देते हैं। इसमें आप रतन टाटा का नाम सबसे पहले सुनो। टाटा ने जितना दान दिया है ना, उतना में कितना बिलीनियर लोग खड़ा हो जाएगा वहां। सैल्यूट उस इंसान, मतलब गृह मंत्रालय आज चाहे तो किसी को नागरिकता दे सकती है, समझ में आ गई नहीं? कोई झमेला नहीं है, गृह मंत्रालय गवर्नमेंट का है, लेकिन मीडिया में कुछ रहना चाहिए, समझ में आ गया? जैसे हम लोग के लिए भी क्या चीज है, पढ़ाई है। पढ़ाई खास करके जीएस इतना समुंदर है ना कि हमको आलतू फालतू चीजों को ध्यान नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर वही छोटा सा पढ़ाई रहता तो हम भी अंत संग बताते हैं। हमारा जीएस ये इतना है कि अगर पढ़ाना चालू करे आदमी तो ये पूरा ये हमारा ये वाला जन्म खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होता है जीएस, सब चीजें पकड़ लीजिए यहाँ से, समझ में आ गया? लेकिन नेताओं को क्या चाहिए, उन सबको तो पता है कि डाटा पे भाग जाएगा सब यहाँ पे। इसलिए आप इतने उम्मीद मत रखिएगा कि मीडिया में जाएंगे किसी नेता से कहिएगा कि बताओ कितना स्कूल बनाए तो आपको मीडिया वाला बर्दाश्त करने देगा, तुरंत एंकर कहेगा अच्छा रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और 5 मिनट में आपका व्यवस्था कर देगा कैमरा बंद करके, समझा कि पैसा देता है सब। हम लोग जो कहता है सर खान साहब ये बात बस बोल दीजिए जितना पैसा कहिएगा, हम कहेंगे तू हमारा कौन चीज समझता है सड़क छाप डिबेट में, यहाँ पे डिबेट में बैठने के लिए भी सामने को बराबरी योग्य होना चाहिए। कोनो का अगले बगले ले गई एक मीडिया वाला था, महिला थी, अब नाम नहीं लेंगे बेचारी उसकी, वो हमसे कहती सर थोड़ा सा जीडीपी बजट आया है, जीडीपी बांस कर, हम कहे जीडीपी 3 टाइप का होता है, बताइए आपको तीनों पता है? काम तो एक ही जान रहता हूँ। नॉमिनल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी, रियल जीडीपी, आपको इकोनॉमी तो पढ़ा है ना। अब ये जो आप जीडीपी बात कीजिएगा इसमें से कौन से जीडीपी में कीजिएगा, अरे बाप रे बाप ये सब भी होता है। तो ये तो हाल हो गया है यहाँ पे। चलिए हम लोग पहले समझते हैं एनआरसी, ठीक है, उसके बाद समझते हैं सीए, दोनों एक दूसरे का एक है, पहचान करता है एनआरसी और नागरिकता देता है सीए, सीए और एनआरसी। पहले सी ए समझेंगे कि पहले एनआरसी? हाँ देखिए हमारा देश आज से नहीं शुरू से ही महान रहा है, शुरू से ही हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को धर्म के हिसाब से नहीं सताया गया, और अगर आपको ये लगता है कि धर्म के हिसाब से सताया जा रहा है किसी को, यकीन मानिए आप न्यूज चैनल खोल के बैठे हुए हैं। अगर न्यूज को, न्यूज वालों को आइसोलेशन में डालेंगे ना तो कोरोना से भयानक ये न्यूज वाले हैं, इनको क्वारंटीन करने की जरूरत है। पूरा देश में खुशहाली है, यहाँ किसी भी पड़ोसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि देश में माहौल खराब है, इट मीन्स आप न्यूज देख रहे हैं, आप देश नहीं देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं आप। देखने के बाद ना खाली न्यूज, वैसे लोग को वहां बैठाया जाता है जिनकी कोई योग्यता नहीं है, उन्हें ग्रुप डी का क्वेश्चन दे दीजिएगा तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, भाग जाएगा सब वहां पे। अब ऐसे लोगों को बैठाया जाता है। तो भारत शुरू से महान रहा है, जब भी किसी देश को सताया गया है तो वहां के लोग भारत में आए हैं, स्पेशली धार्मिक कारणों से जब सताया गया है। तो जब कभी आपके ऊपर धर्म के हिसाब से अत्याचार होता है तो इसे रिलीजियस परसिक्यूशन कहा जाता है। टेक्निकल वर्ड याद रखना है, क्या जी? रिलीजियस परसिक्यूशन, परसिक्यूशन रिलीजियस परसिक्यूशन मतलब धार्मिक प्रताड़ना।
यहाँ पर ईरान में पहले पारसी लोग रहते थे, कौन रहते थे? पारसी। लेकिन ईरान में जो क्या हुआ, ईरान में अरब का क्या हो गया, आक्रमण हो गया, पारसियों को वहां से भागना पड़ा। टर्किश लोग आ गए, मुस्लिम लोग बड़े शांत होते हैं, शादी विवाह बड़ा कम ही, मतलब इन लोग में इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है पारसियों की। ये अपनी आय का अधिकांश हिस्सा दान कर देते हैं, जिसमें आप रतन टाटा का नाम, इस्लाम जो था ईरान जो था 100% ज़ोरास्ट्रियन था, देश के लिए बहुत जितना उन्होंने दान दिया ना, टर्किश लोग आए, टाटा ने जितना दान दिया ना, उतना में कितना ज़ोरास्ट्रियन खड़ा हो जाएगा वहां पे, आज भी बहुत दान देते हैं। तो पारसी लोगों को यहाँ से 12वीं सदी में भागना पड़ा था, और ये भाग के आए थे गुजरात और महाराष्ट्र के पास में। तो गुजरात पास पड़ा था, तो गुजरात के राजा ने कहा था कि हमारे राज्य में तो जगह नहीं है, आप लोग का कल्चर भी अलग है, हम कैसे रखेंगे? तो पारसियों ने क्या कहा था, बड़ा अच्छा वहां पे एग्जांपल दिया, दूध रखा हुआ था राजा के टेबल पर, उसका कहा कि देखिए इस ग्लास में पूरा दूध भरा हुआ है और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया, कहा कि जिस तरह से इस गिलास भरे में कोई जगह नहीं था लेकिन चीनी इसमें संभाल गया, पूरा घुल मिल गया और इसके स्वाद को भी बढ़ा दिया, हमें भारत में जगह दीजिए, हम भी इसमें घुल मिल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि भारत को और आगे बढ़ाने में सहयोग किया, और बहुत अच्छा से उन्होंने सहयोग किया। वो बहुत कम है, उनकी परसेंटेज में भी, संख्या में भी नहीं आते, दशमलव में आते हैं लोग परसेंट में, लेकिन बहुत शांति प्रिय। तो 12वीं सदी में हमने किसे शरण दिया, जब पहला ये रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, दूसरा 1947 में जब देश आजाद हुआ, बहुत सारे सिख और बहुत सारे हिंदू लोग पाकिस्तान से भाग के कहां आए थे, भारत में। दूसरा हम लोगों ने कब दिया, 1947। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, कहां आक्रमण किया, बहुत सारे तिब्बत के लोग भारत में आए थे, तुमने और देश का बंटवारा किया था, आज भी ये तिब्बत के लोग यहाँ, पटना में एक मार्केट लगता है लहासा मार्केट जंक्शन के बाहर, तो हमारे यहाँ तिब्बत के बौद्ध लोगों को रहने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दूसरा यहाँ हुआ था, उसके बाद चौथा नंबर पे रशिया ने आक्रमण कर दिया था अफगानिस्तान के ऊपर 79 में, तो बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से कहाँ आ गए, भारत में। ये कब आए थे, 79 में, 70, ये कब आए, 12वीं सदी में, तो यहाँ से आ गए लोग। 1980 में तमिलों के ऊपर भयानक अत्याचार हुआ, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यहाँ से बहुत सारे तमिल लोग भाग के कहाँ शरण लिए, भारत में, भारत में बहुत सारे लिए, कब लिए, 1980 के दशक में यहाँ से भी भाग के क्या लिए थे, लोग शरण लिए थे यहाँ पे। 1971 में बांग्लादेश से जब लड़ाई हुआ था, तो बांग्लादेश में बहुत भयानक अत्याचार हुआ, पाकिस्तान अपना ही उसका देश था बांग्लादेश, बंगालियों को कहता था तुम किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो बंगाली बोलते थे, ये अपने आप को श्रेष्ठ सोचते, इसकी सेना अपने ही देश में घुस के ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप किए थे, सब इसकी सब भूल गया बांग्लादेश, अपने देश की, ये किसी के नहीं है। अगर आपको लगता है कि मतलब नहीं ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, तो उनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, समझना कि नहीं, अगर ये अपने ही देश के लॉजिक क्या दिए थे, ये बंगाली बांग्लादेश वालों को बोले थे, ये बांग्लादेश वाले प्योर पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तो प्योर पाकिस्तानी होंगे, ये लॉजिक है इनको, इनका। ये लोग भाग के कहाँ आए थे, भारत में आए, और इतने करोड़ों की संख्या में लोग शरण लिए थे। हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना इनको शरण देने के चक्कर में विफल हो गई, अनाज कम पड़ गया था, लेकिन भारत किसी भी देश का नाम एक दिन में नहीं हो सकता है, कहा जाता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, 12वीं सदी से लेकर आज तक भारत दूसरों को शरण देते आया है यहाँ पर। तो 1971 में बांग्लादेश के लोग आए, संगा गई ना, 2015 में म्यांमार से मारा गया किसको, रोहिंग्याओं को, तो रोहिंग्या 2015 में कहाँ शरण लिए, सर भारत, यहां से ये मामला तेज पकड़ लिया रोहिंग्यों से, समझा गया कि नहीं, आगे आगे बढ़े, तो इलीगली आ रहे हैं। जब रोहिंग्यों को सेटल नहीं करना था, तो सेना को पीछे क्यों हटने को आदेश दिया गया, सेना अगर आप घुस जाएंगे चाइना में, आप म्यांमार में घुस के देखिए, तो क्योंकि बॉर्डर पूरा सब भैया बॉर्डर फेंस नहीं है, पीपल जस्ट कम इलीगली, लेकिन म्यांमार से कैसे घुस गए सब रोहिंग्या, इतना जाते इलीगली, देयर इज नॉट अ सोल्जर ऑन द होल, जैसा आदेश रहेगा वैसे ही सेना करे, और सेना को बोलिए ना तू म्यांमार खाली करा के चला है, नहीं समझे, क्योंकि मीडिया को एक मसाला मिल गया, मीडिया से पूछिए ना, अच्छा ठीक है रोहिंग्या समस्या है, ठीक है ये सब चीज है, उसको सॉल्व करेंगे, आने कौन दिया, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बीमारी को आने क्यों दिए,
आप लाखों की संख्या में आपकी है बीमारी, रोक ही नहीं सकता यूएसए भी तो वही नहीं है, बॉर्डर में तो वॉल नहीं लगी हुई, बनानी चाहिए वॉल। मीडिया वाला ब्रेक की बात कहेगा इसको कहो तबीयत खराब हो गया चल गया इसका, चाहे इसका माइक कम करो, माइक कम करो इसको, चिल्लाने दो इसको, पोले खोल देगा हम लोग का यहाँ पर। इंडिया तो सबसे मेजर प्रॉब्लम है अपने देश के लिए। अब दिक्कत हो गया कि इन लोग को नागरिकता कैसे दिया जाए, इन लोग के पास एक ही ऑप्शन था, सबसे जल्दी नागरिकता लेना है तो पंजीकरण, किसके द्वारा? पंजीकरण द्वारा, किसके द्वारा? पंजीकरण। तो भारत सरकार ने एक घोषणा किया कि जो भी लोग स्पेशली भारत में आए थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहीं पे हिंदूज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदूज ना, तो सरकार ने एक नियम बनाया कि जो भी लोग माइनॉरिटीज, जो भी अल्पसंख्यक धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, समझिएगा टेक्निकल वर्ड सोचिएगा, माइनॉरिटी, वहां की माइनॉरिटीज कौन है, हिंदू से फेस कर रहे हैं, वो भारत में आ सकते हैं, ये तो है मुस्लिम कंट्री, 2014 से पहले आए जाना चाहिए तब हम उन्हें 2020 में नागरिकता दे देंगे। ये देखिए ना, ये तो ऑलरेडी 2014 पंजीकरण के शर्त को पालन नहीं कर लिया, नहीं पालन कर लिया। अरे भाई 2014 से पहले आए हैं और आपको दिया जाएगा 2020 में, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो तो गया, पंजीकरण का हो गया। तो इसके लिए एक अलग से नियम बना रहे सीए, क्या ये अलग नियम है? सेम पंजीकरण है, पंजीकरण आपको पहले से पता है, ये तो हमारे रजिस्ट्रेशन में पहले भी, इसके 10 साल है, 7 साल। तो सीएए के थ्रू क्या आपको अब ये नागरिकता मिल जाएगी? अब ये अफगानिस्तान से कौन आया गया सीए, देखिए हमको सताया गया, दे दीजिए, दुनिया निकल गया। पर नहीं होना चाहिए कि हिंदू के साथ कहीं पे भी हो रहा हो, 2014 से वो इंडिया आ सकता है। अदिया कब जाएगा? 20 समझ में आएगी नहीं क्या? जबकि पंजीकरण का कानून 1955 बन चुका था, जिसमें कम से कम कितने साल वाला था, तो ये लोग तो 7 साल का नियम पालन ही कर लिए थे। अब मीडिया में बवाल क्यों हुआ? मीडिया में बवाल नहीं हुआ, बवाल कराया गया था, समझिए कैसे, ऑपोजिशन ने किया, सुप्रीम कोर्ट में, या जब नियम बना तो हम लोग कानून के ऊपर नहीं है, हम लोग संविधान के नीचे। संविधान कहता है कि देश का कोई कानून किसी धर्म को ध्यान में रख के नहीं बनाया जा सकता, तो इस कानून में कोई धर्म को ध्यान में नहीं रखा गया था। कहा गया था कि तीन हमारे पड़ोसी देश जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, अगर वो लोग माइनॉरिटी में है, किसमें है? माइनॉरिटी में है, और उनके ऊपर धार्मिक प्रताड़ना होती है तो भारत में आ सकते हैं। अब देखो ध्यान से इसको कैसे मैनिपुलेट होता है। अफगानिस्तान में मुसलमान को छोड़ के सब अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में मुसलमान को छोड़ के सब अल्पसंख्यक है, अफगानिस्तान में मुसलमान को छोड़ के सब अल्पसंख्यक। सरकार नियम में लिखती है, ध्यान से समझिएगा, सरकार नियम में लिखती है कि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक जो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार है वो भारत आ सकते हैं, उन्हें सीए के तहत नागरिकता दी जा सके। लेकिन भाषण में बोला जाता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम को छोड़कर सबको नागरिकता दी जाएगी। क्या डिफरेंस क्या? बात समझ रहे हो? नहीं समझ गए? तो भाषण था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बुलाया, ये क्या है? तो सरकार वहां खड़ा होकर कही थी कि भाषण से हमको क्या भाषण, हमको भाषण से क्या मतलब है, हम आपको लिखित में दे रहे हैं कि जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं और अल्पसंख्यक हैं, हम उन्हें नागरिकता दे रहे हैं। अल्पसंख्यक को हमारा देश मान्यता देता है, क्योंकि हमारे देश में ही पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक कोई गलत वर्ड नहीं है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या बोल रही है? अल्पसंख्यक। कानून में क्या लिख रही है? अल्पसंख्यक। भाषण में मुस्लिम छोड़कर सब, समझेगा? और ये बात अभी तक उन लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि सरकार को नागरिकता किसी को देना चुटकी का खेल होता है, गृह मंत्रालय का चुटकी का खेल, लेकिन ये सब समझ में नहीं आएगा। अब क्लियर समझ में? मेरे को तो नहीं समझ में क्या बोल, मेरे तो क्लियर नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं, पर मेरे हिसाब से एक ही बात है, अल्पसंख्यक वहां पे हिंदूज ही हैं, और बाकी जो माइनॉरिटी रिलीजन हैं, जैसे बोल रहे हैं क्रिश्चियनिटी या कोई और रिलीजन अगर है, तो उनके लिए दूसरे देश भी हैं जहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, वो यूएसए जा सकते हैं, यूरोप की कंट्रीज में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हिंदूज के लिए ओनली कंट्री इज इंडिया,
और हिंदूज के ऊपर ज्यादा अत्याचार होते हैं इन मुस्लिम कंट्रीज में, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां पे हिंदूज को ही टारगेट किया जाता है, तो वो बेचारा हिंदू कहां जाए। देखिए दूसरी बात ये है कि 1947 में लोग पाकिस्तान से नहीं आए थे क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान था ही नहीं। पाकिस्तान तो ये कहना कि 1947 में टुकड़े किए, इंडिया के लोग उधर से इधर आए, एक इंडिया से दूसरी इंडिया में आए लोग, क्यों? क्योंकि रिलीजन की वजह से प्रॉब्लम आ गई। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक इन लाइफ, क्योंकि वहां पे एक सेक्शन बस उनको एक ही रिलीजन के लोग, ये बिगेस्ट मिस्टेक थी, पॉलिटिकल मिस्टेक इन लाइफ, जहां पे तुमने रिलीजन की वजह से अपनी कंट्री के टुकड़े कर। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ जो लीडर्स थे उस टाइम के, उनको नहीं कहना चाहिए था कि अगर रिलीजन के बेसिस पे तुम्हें पार्टीशन करना है तो रिलीजन वाली कंट्रीज जो है बहुत सारी है, वो वहां चले जाएं। पर हमारा देश नहीं बटेगा, जिसको रिलीजन की वजह से यहाँ रहने में तकलीफ हो रही है, इतने थे ना, मिडिल ईस्ट पूरा भरा पड़ा ना रिलीजियस कंट्रीज से, वहां चले जाओ, पर हम अपने देश का टुकड़ा नहीं करेंगे। मेजर गलती हुई थी कि बोलना कि हम टुकड़े कर रहे हैं, उसका भुगतान अभी तक कर रहे हैं। नहीं नहीं, गलती ये थी कि टुकड़े कर रहे हैं, एक टुकड़ा सेक्युलर रहेगा और दूसरे टुकड़े में, या तो दोनों को करना चाहिए था, ठीक है, ये यहाँ पे है तो अगर तुमको टुकड़ा करने दो फिर यहाँ पे तुम रह सकते हो, बोलना चाहिए था टुकड़े कर ही नहीं रहे, टुकड़ा खत्म। और 1947 में पाकिस्तान से कोई नहीं आया था, देयर वाज नो पाकिस्तान, इट वाज इंडिया ओनली, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि दोनों चीज़ों में एक ही पॉइंट था कि अगर कोई माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी को कर रहे हो तुम अब्यूज, तो माइनॉरिटी को अलाउड है टू कम टू इंडिया। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली जो माइनॉरिटी है वो नॉन मुस्लिम है उन रीजन्स में। एग्जैक्टली। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।